हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए उड़द दाल से बनी हुई पिन्नियों की रेसिपी लेके आई हूँ। तो जो ये पिन्नियाँ होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं सर्दियों में। सर्दियों में इसको बहुत ज़्यादा खाया जाता है और अपने हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं, खासकर सर्दियों में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पिन्नियाँ, वो भी उड़द दाल की बनी हुई। तो उड़द दाल की पिन्नियाँ बनाने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत रहती है वो रहता है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 कटोरी जितनी उड़द दाल, लगभग 250 ग्राम जो उड़द दाल थी वो मैंने अच्छे से पानी में भिगो के रख दी थी 2 घंटे के लिए। उसके साथ आपको घी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो घी होगा ना उसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो जो पिन्नी होती है वो घी में बनती हैं, तो इसलिए घी की मात्रा ज़्यादा रहेगी। उसके साथ आपको चाहिए होगा खोया, यहाँ पर मैंने 150 ग्राम जितना खोया ले लिया। उसके साथ आपको चीनी की ज़रूरत पड़ेगी, जितनी आपकी दाल रहेगी उतनी ही आपकी चीनी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम दाल ली थी, तो 250 ग्राम ही चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ यहाँ पे मैंने 20 ग्राम जितनी सूजी भी ले ली है। उसके साथ मैंने यहाँ पे इलायची के दाने ले लिए हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर जाएगा पिन्नियों में। साथ में मैंने यहाँ पे 10 ग्राम जितनी गूंद ले ली है, इससे क्रंचीनेस आएगी आपकी पिन्नियों में। उसके साथ मैंने यहाँ पे काजू ले लिए 8 से 9 टुकड़े, जिनको मैंने अच्छे से काट लिया है छोटा छोटा। और उसके साथ बादाम के भी मैंने 9 टुकड़े ले लिए थे, जिनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। आप बस इन्हीं सब का इस्तेमाल करके अपनी घर पे पिन्नियाँ आराम से बना सकते हैं उड़द दाल की, जो सर्दियों में सेहत के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये जो दाल है ना, इसको हम पीस लेंगे। तो जो आप दाल डालोगे ना पीसने के लिए, उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होनी चाहिए। आपने दाल जो है वो बिना पानी के डालनी है और उसमें 2-3 ड्रॉप्स डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो अब मैं सारी की सारी दाल डाल के इसको मिक्सी में ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लूँगी दरदरा। तो हमारी दाल पिस गई है, तो आप देख पाओगे कितने अच्छे से स्मूथ इसका बना है, देख पाओगे कितनी अच्छे से पेस्ट बनी है इसकी। हमें ऐसे ही पीसनी थी जिसमें बिल्कुल भी दाना ना रहे। तो इसको स्मूथ बनाने के लिए ना मेरे को 250 ग्राम दाल के लिए कम से कम आधा कटोरी पानी की ज़रूरत पड़ी थी, तो आपको भी लगभग इतनी पड़ेगी। तो अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो आप देखोगे कंसिस्टेंसी कैसी है इस दाल की, देखिए कितनी डार्क है। तो अब ये रही हमारी दाल पिसी हुई, अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो अब मैंने कढ़ाई ले ली है, गैस ऑन करके इसमें जाएगा घी। तो जो घी की मात्रा वो ज़्यादा रहेगी, तो हम इसमें कम से कम 3 बड़े चम्मच जितना घी का डाल देंगे। अब हम इसको मेल्ट होने देते हैं घी को अच्छे से। तो घी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब इसके अंदर जाएगी सूजी। अब सूजी डाल के इसको अच्छे से पकाएंगे घी में। सूजी को हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए अच्छे से पकने देना है। और 10 सेकंड्स बाद इसमें जाएगी आपकी पिसी हुई दाल, तो ये सारी की सारी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे घी में, और इसको तब तक हमने पकाना है जब तक आपकी जो दाल है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। तो जो फ्लेम रहेगी वो हाई रहेगी। इवन हम इसको स्टार्टिंग में थोड़ी सी सिम कर देंगे, और सिम करने के बाद इसको अब हम अच्छे से घी में पकाएंगे जब तक आपकी जो दाल है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगी। और आपको बता दूं, स्टार्टिंग में जो आपकी दाल है वो थोड़ी सी कढ़ाई के साथ लगेगी, लेकिन घबराना नहीं है, कुछ देर बाद जब वो पकना स्टार्ट हो जाएगी तो वो घी की वजह से अलग भी हो जाएगी। तो इसलिए स्टार्टिंग में लो फ्लेम पर इसको अच्छे से हमने थोड़ी देर पकाना है, और बीच बीच में आपने दाल को अच्छे से करछी की हेल्प से हिलाना भी है ताकि वो नीचे ना लगे। और इसको ऐसे ही 15 मिनट तक आपने पकाते रहना है करछी की हेल्प से। अब हम इसको ऐसे ही अच्छे से पकाएंगे लो फ्लेम पे। अभी आप देख पाओगे ये कैसे चिपकना स्टार्ट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये अभी कुछ देर बाद इसमें से खुद ही इसका घी रिलीज़ हो जाएगा जब ये पक जाएगा। तो बीच में आपने इसको अच्छे से हिलाना है ताकि नीचे ना लगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे कैसे जो घी है वो अलग होना शुरू हो गया दाल से। अब हम ऐसे ही इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक दाल जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तब तक। तो गाइस, मुझे 20 मिनट्स लगे
दाल को अच्छे से ब्राउन करने के लिए। तो अब जो दाल है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, हमें ऐसे ही चाहिए थी। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे। अब मैं इसको एक बर्तन में निकालूंगी सारी की सारी दाल को। तो दाल निकाली मैंने एक बर्तन में, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं और ठंडी होने देते हैं दाल को अच्छे से। तो जब तक हमारी दाल फ्राई हो रही है, ठंडी हो रही है, तब तक हम बाकी चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं। तो एक पैन ले लेंगे, गरम करेंगे गैस ऑन करके पैन को, और उसमें एक चम्मच जितना घी डाल देंगे और अच्छे से इसको मेल्ट होने देंगे। तो घी गर्म हो चुका है, इसी टाइम पे हम अपनी गुल जो है उसको डाल देंगे ताकि हम इसको अच्छे से फ्राई कर पाएँ। तो अब हम इसको अच्छे से फ्राई होने देते हैं, जब तक गुल जो है वाइट होके थोड़ी बड़ी ना हो जाए तब तक हमें इसको पकाना है घी में। आप देख भी पाओगे कैसे इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो कैसे इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसको टर्न करके दूसरी साइड से भी अच्छे से ऐसे ही कर लेंगे, दोनों साइड से पका लेंगे। तो जो गुंद है उसका कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, क्रश करना है उन्हें थोड़ा थोड़ा सा। तो क्रश हो चुकी है गुंद, अब हम क्या करेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स को भी फ्राई कर लेंगे। उसी ही बर्तन में अपने बादाम और अपना काजू डाल के उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज ना हो जाए तब तक हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन तक। तो ड्राई फ्रूट्स भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसी टाइम पे गैस ऑफ करके इनको भी एक प्लेट में निकालेंगे। हम उसी बर्तन में निकाल लेते हैं जिसमें हमने अपनी गुंद को रखा था क्रश करके। अब सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स भी इसी प्लेट में रख दूंगी। तब हम फिर से उसी पैन में गैस ऑन करके अपना मावा डाल देंगे और अब इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हमने तब तक पकाना है जब तक जो मावा है वो सॉफ्ट ना हो जाए, मावा को खोया भी कहा जाता है। तो इसको अच्छे से सॉफ्ट तक पकाएंगे। इसके अंदर अपना घी होता है तो वो भी रिलीज होगा, और अच्छे से इसको एक मिनट तक पका लेना। तो आप देख पाओगे ये सॉफ्ट हो चुका है, इसी टाइम पे गैस ऑफ होगी और इसको भी एक बर्तन में निकाल लेंगे। मैं उसी प्लेट में निकाल लेती हूँ जिसमें मावा था। अब ऐसे ही करते करते मैं सारा मावा निकाल लूँगी। तो मावा भी इकट्ठा हो चुका है, तो अब हम बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लेंगे, गैस ऑन कर देंगे, उसमें चीनी डाल देंगे। अब चीनी डालने के बाद जितनी चीनी डलेगी उसका आधा पानी डाल के अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसका एक सिरप बना लेंगे। हमने यहाँ पे कोई दो तार तीन तार की चाशनी नहीं बनानी है बल्कि एक सिरप सा बनाना है, तो सिरप बनने देते हैं। तो आप देख पाओगे चीनी जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। हमने तब तक पकाना है जब तक चीनी पूरी की पूरी प्रॉपर मेल्ट ना हो जाए, हमें बस इतना ही पकाना है। इसको कोई एक तार दो तार की चाशनी नहीं बनाना। तो चीनी भी मेल्ट हो चुकी है, गैस ऑफ कर देंगे। तो अब हमारा सब कुछ तैयार हो चुका है, अब हम पिनिया असेंबल करेंगे। तो पिनिया असेंबल करने के लिए सबसे पहले हम शुगर सिरप में अपना सारी की सारी दाल को डाल देंगे। अब इसके अंदर सारे के सारे जो क्रंच एलिमेंट्स हैं ड्राई फ्रूट्स और गुंद उसको भी डाल देंगे। अब इसमें जाएगा इलायची पाउडर। तो यहाँ पे मैंने जो इलायची थी उनको अच्छे से कुंडे डंडे में कूट लिया और उसका एक छोटा सा पेस्ट बना लिया मसाला टाइप, वो डाल दिया, इलायची पाउडर डाल दिया। अब इसमें जाएगा खोया या मावा, ये भी डाल देंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मिक्स कीजिएगा, अभी बर्तन गर्म है तो इसलिए मैंने एक कपड़ा पकड़ा है। अच्छे से अब हमने इन सबको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हम इसको एज इट इज़ ठंडा होने देंगे क्योंकि अभी ये सब कुछ गर्म है। जैसे ही ये ठंडा होगा ना तो आप देख पाओगे ये थोड़ा सा, अभी देख पा रहे हो ना कितना ज़्यादा लिक्विड ही है, तब इसका जो लिक्विड है शुगर का सारा ठंडा होके हार्ड हो जाएगा, फिर हम इनको शेप दे पाएंगे। तो हमने ये सब कुछ मिक्स कर लिया,
तो आपका पिन्नी का सारा मटेरियल जो है वो बन चुका है और आपने उसको मिक्स भी कर लिया है। अब आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही 2 घंटे के लिए कम से कम ठंडा होने दीजिए ताकि हम उसको शेप दे पाएँ। तो अब मिक्सचर जो है वो ठंडा हो चुका है, अब हम इसकी पिन्नियों को शेप देंगे। तो शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथों में रखेंगे और पिन्नियों को हमेशा अपनी फिंगर्स के हाथ से ही शेप दी जाती है। तो हम इसको अच्छे से ऐसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसके कॉर्नर्स को हम अच्छे से टिल्ट करके इसको एक सिलेंड्रिकल शेप देंगे। ये देखिए पिनियाँ हमेशा सिलेंड्रिकल होती हैं, तो ये हमने सिलेंड्रिकल दे दिया। अब बनने के बाद हम अपनी फिंगर्स की हेल्प से इस पर एक थोड़ा सा निशान बनाएंगे क्योंकि पिनियों पे ऐसा निशान होता है। तो ये रही आपकी पिन्नी बिल्कुल बनके तैयार हो गया। अब मैं ऐसे ही करते करते सारी पिनियों को शेप दे दूँगी। तो सारी की सारी पिनियाँ बनके रेडी हो चुकी हैं। अब आप इनको ऐसे ही आराम से आप खा सकते हैं, नहीं तो आप इसको कम से कम 3 घंटे के लिए ऐसे ही रहने दीजिएगा ताकि ये जो शेप है ना ये अच्छे से जो पिनियाँ वो पकड़ ले और उसके बाद आप इसको आराम से खा पाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलेगा और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मेरे यूट्यूब चैनल को।